हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं राजमा बनाती हूँ और हांडिया बनाती हूँ, जो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने कई बार कुकर में और कढ़ाई में बनाया है, तो देखते हैं हांडी में कैसा बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैंने गैस पे हांडी चढ़ा दिए और इसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूंगी खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं। इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डाल के अच्छे से चला लेंगे, जो थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए, जब तक इसको पकने देंगे। अब प्याज लाल हो चुकी है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, जो मैंने कूट ली थी, और इसको थोड़ा पका लेंगे अच्छे से। प्याज और हरी मिर्च अदरक डाली थी जो मैंने, वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर। इसको थोड़ा चला लेते हैं। इसको चलाने के बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी। हल्दी डालने के बाद डालूंगी मिर्ची मैं थोड़ी सी। मिर्ची मैं कम डालूंगी क्योंकि मैंने पहले कूट के डाल रखी है। इसमें डालूंगी गरम मसाला, फिर धनिया। धनिया के बाद डालूंगी मैं देगी मिर्च, क्योंकि कलर इससे अच्छा आता है, क्योंकि मैंने मिर्ची कम डाल रखी है तो कलर अच्छा आएगा। अब डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा चला देंगे और इसको छोड़ेंगे हम तेल छोड़ने तक, और ढक के रख देंगे और गैस कर देंगे सिम। एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं। मसाला अच्छे से पक चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे राजमा। राजमा डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डाल के इसको ढक देंगे। ढक के हम इसको 5 मिनट की रखेंगे और गैस कर देंगे सिम। ढक्कन खोल के देख लेते हैं एक बार। मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रखा था इसको। इसको हम अच्छे से चला लेंगे एक बार। इसमें डालेंगे फिर धनिया। धनिया डाल के थोड़ा चला के अभी राजमा हमारा पक के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और इसी रेसिपी को बना के भी देखें, बहुत टेस्टी बनी है। बाय बाय।